in October 1962, the Chinese allegedly invaded India. अपने विवादित बयान के लिए मशहूर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर माफी मांगी है। दरअसल बीते दिनों उन्होंने साल 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को माफी मांग ली है। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के कथित वीडियो के मुताबिक कांग्रेस नेता ने अक्टूबर 1962 में चीनी द्वारा कथित तौर पर भारत पर आक्रमण करने की बात कही थी। हालांकि बाद में माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूँ।